और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, सपा नेता अनुराग भदौरिया ने फिर से माफी मांगी है सीएम पर विवादित बयान को लेकर। एक बार फिर से अनुराग भदौरिया ने माफी मांगी है। अनुराग भदौरिया ने सीएम पर एक विवादित बयान दिया था, वह शो के दौरान ये विवादित बयान दिया गया था जिस पर पहले भी वे माफी मांग चुके हैं। अनुराग भदौरिया के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज है और एक बार फिर से अनुराग भदौरिया ने सीएम के खिलाफ जो बयान दिया था उस पर खेद जताते हुए माफी मांगी है और ये दूसरी बार उनका माफी मांगने का सिलसिला है। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते देश के संवैधानिक पद पर बैठे सभी महानुभावों का मैं आदर और सम्मान करता हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके गुरुजी का भी मैं आदर और सम्मान करता हूँ। 11 नवंबर को 3 बजे EVP गंगा में डिबेट के दौरान मैंने इस चीज का पूरा ध्यान रखा जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर फिर भी मेरे किसी वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंचती है, अगर भावना आहत होती है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। एक बार फिर से माफी मांगी है सपा नेता अनुराग भदौरिया ने, जहां उनके खिलाफ होने वाले एक्शन का भी एक डर ये बताया जा रहा है कि अनुराग भदौरिया लगातार माफी मांग रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस पर उन्हें माफी मिलती है या नहीं। ये दूसरी दफा है जब उन्होंने इस तरह वीडियो जारी कर माफी मांगी है। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी के मिशन रोजगार को नई ऊंचाई मिली है। यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर 2% रह गया है। 5.5 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आपको बता दें कि 1 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार मिला है। 60 लाख से अधिक नौजवानों को यूपी में स्वरोजगार से जोड़ा गया है। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेश जी, ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब स्टार प्रचारक के तौर पर 2016 में प्रचार कर रहे थे तो वो बेरोजगारी दूर करने का उन्होंने वादा किया था प्रदेश की जनता से, और जब वो मुख्यमंत्री बने 2017 में उसके बाद से लगातार उनका प्रयास जारी है जो 2022 के चुनाव जीतने के बाद भी निरंतर चल रहा है। और उसका परिणाम है कि बेरोजगारी दर जो 19% थी वो 2% कम हो गई है। 5.5 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। लगभग 1.61 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। 60 लाख से अधिक नौजवानों को यूपी में स्वरोजगार से जोड़ा गया है। तो कोई स्वरोजगार है, सरकारी नौकरी है, निजी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जो रोजगार देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो वादा किया था उसे निभाने की कोशिश किया है और वो प्रयास निरंतर चल रहा है। और सरकार के बड़े सोर्सेज का कहना है कि ये सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री का ये पूरा जोर होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर हो सके, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ के नौजवानों का कैसे उपयोग किया जा सकता है। अपने भाषणों में मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी अगर विकास हो रहा है तो यूपी के नौजवानों के दम पर, यूपी के नौजवानों के बल पर, उनके स्किल पर, उनकी बुद्धि पर हो रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पर देने की कोशिश की जाए ताकि जो ब्रेन ड्रेन है, जो ब्रेन यूपी का निकल के बाहर जाता है, उसे रोका जाए और यूपी के विकास में उसे लगाया जाए। बिल्कुल, और एक बड़ी अचीवमेंट इस मकसद के लिए ये देखी जा रही है, जहाँ 19% से घटकर बेरोजगारी दर यूपी में 2% रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी ये पूरी जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।